हैं, जो इतना अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। फलक का एक तरीका है वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, उस फूल के बगैर मुझे लगता है आज आज इनकम्प्लीट है कुछ। और तो कोई नेगेटिव दिखाते हैं तो लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी कि औरत की नेगेटिविटी भी हमने दिखाई है। जो हम दिखाना चाहते हैं हम वही दिखा रहे हैं और वही पता चल रहा है, फिर लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको बुरा नहीं कह सकते। मराल के जितने सूट्स थे वो ज़्यादातर मैंने अपनी अम्मी के सूट्स पहने थे। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और टर्की से मैं, लोगों को लगा पर टर्की में था, टर्की में नहीं था, पाकिस्तान आ चुके थे। पाकिस्तान में इनफैक्ट मैं लाहौर लैंड हुई थी, लाहौर के बाद यहाँ आई थी। एक बात जिसका मुझे यकीन है वो ये है कि वही नज़र आता है जो हम दिखाना चाहते हैं। जो रिश्ते होते हैं आम घरों में जिस तरीके से होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं, किसी के कोई हम इतनी दफ़ा नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ। हम बैक स्टेज मिले थे ब्राइडल कचो वीक पे लाहौर में, थोड़ी देर के लिए मिले। मेरी बहनें आयशा नूर मेरे साथ थी, वहीं पे उन्होंने प्रपोज़ किया मुझे शादी के लिए, कहा। मैंने कहा कि मैंने तो नहीं करनी, और फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे अब्बू को उन्होंने, अब्बू से बात की, और फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गई। मुझे सीवियर माइग्रेन था, टाइफाइड था, दो तीन चीज़ें और भी थी, तो सब कुछ एक साथ हो गया था। लेकिन लोगों का कंसर्न देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग जिस तरीके से लोग दुआ देते हैं, जिस तरीके से लोग आपके लिए परेशान हो रहे होते हैं, तो वो एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। हम इन बारीकियों की बात कर रहे हैं क्यों, कोई भी ऐसी बात जो मेरी मुझे नहीं बतानी वो किसी को नहीं पता। बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी जो कोई जानता ही नहीं मेरे बारे में। तो मेरे ख्याल से जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं और वही पता चल रहा है, फिर लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको बुरा नहीं कह सकते। तीन था साड़ी वाला, वो हमने 3 महीने के गैप के साथ साथ शूट किया, मतलब 3 महीने के अंदर 4-5 कट्स में वो शूट हुआ है। टाइम 1-1.5 महीने बाद शूट किया, तो इन सब के दौरान वो इयररिंग्स मिस हो गए थे, एक मिस हो गया था। और जब वो हम, और हमें वो रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि हमने गलत इयररिंग पहन लिया, वो मिस हो गया। जब बाद में सीन शूट हुआ तो बाद में पता चला कि हम गलत शूट कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त तो कोई चॉइस नहीं थी कि चले एटलीस्ट लोगों के पास कुछ तो हमने एक एक बात दे दी डिस्कस करने के लिए। सबका एक तरीका है वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, और हम चाहते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा अपनी शादी पर मैंने कुछ नहीं छुपाया कि मैं शादी पर मैंने शादी छुपाई हो, बस लिमिटेड कुछ लगाया। हमने अपनी पूरी शादी अपने फैंस के साथ शेयर किया है, उन लोगों के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। तो हम अपना हर अच्छा मोमेंट हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगेन, जो हम चाहते हैं हम वो शेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ लोग देखें। हम हमेशा ना आदमियों को बुरा ही, बुरे पार्ट ही उनका हम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो फलक जैसे आदमी भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो इतना अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। तो जब फलक वो वीडियो बनाते हैं, मुझे, मैं चाहती हूँ लोग देखें कि आदमियों को ऐसा होना चाहिए, वो अपना प्यार मुझसे इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मुझे एक फूल देके। जबकि वो एक फूल होता है उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा होता है। कि जब वो फूल लाते हैं मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है, उस फूल के बगैर मुझे लगता है आज आज इनकम्प्लीट है कुछ। और तुम्हारे ब्लंडर्स विराल करके मुझे लगा कि जिस तरह की औरतें होती हैं ना, मजबूत, इतनी स्ट्रांग, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में, क्या चाहिए ज़िंदगी से। तो विराल करके मुझे लगा कि औरत तो शुमार है, फलक बहुत अच्छे ये है। विराल के जितने सूट्स थे वो ज़्यादातर मैंने अपनी अम्मी के सूट्स पहने थे, जो मेरी अम्मी के थे। मेरी अम्मी इस तरह की ड्रेसिंग करती थी, तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था ना मेरी अम्मी का, जिस तरीके से वो कपड़े पहनती थी, जिस तरीके से वो बात करती, जिस तरीके से वो उठती बैठती थी, मैंने मिराल के अंदर अपनी अम्मी का। मैं नेगेटिव किरदार कोई प्ले करूँगी और उसके बाद अगर लोग मुझे गालियाँ ना दें, बुराइयाँ ना करें उसके बारे में, तो मेरा इसका मतलब है कि मैंने वो किरदार ही अच्छा प्ले नहीं किया। तो जब मैं कोई नेगेटिव किरदार करती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि इसको लोग बुरा कहें तो ही मुझे अच्छा लगेगा, अगर उसको बुरा नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ मैंने उसको उस तरह दिखाया नहीं जिस तरीके से वो लिखा था। लेकिन मिराल जो थी वो बहुत कूल लड़की थी, गुड लुकिंग थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी बातें करती, लोगों को बहुत कूल लगता था मिराल को देखना। तो उसको इतनी बुराइयाँ नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। हनी सच कहती थी, वो घटिया इंसान लड़की है, वो किस तरह की लड़की है सबको पता है। जोहरा पार्टीज पर जाती है, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे कुछ मुख्तलिफ करना ही था। तो मैंने फिर ज़ोरा का किरदार पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इमरान अशरफ के साथ था जो मैं करना भी चाहती थी उनके साथ काम, और जो प्रोड्यूसर्स थे वो मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर्स हैं, शाजिया वजाहत। तो फिर ज़ोरा तो फिर मैंने डेफिनेटली करना था, और फिर जो आगे जाके ज़ोरा के
शेड्स आएंगे आगे जाके, जो उसका किरदार बदलेगा किस तरीके से होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीन चार सीन्स ज़ोरा के शादी से पहले के ऐसे थे जो करते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा था, जो मुझसे भी ऑफकोर्स मुझसे बहुत मुख्तलिफ थे। उस कुछ सीन्स में तो मुझे डांस भी करना था, तो जो मैं नहीं करती डांस कभी भी स्क्रीन पे, मुझे किसी ने डांस करते हुए नहीं देखा होगा। और फिर वो वाला डांस करना जो ज़ोरा एक लड़की है जिस तरीके से वो जिन पार्टीज़ पे वो जाती है वहाँ वो ऑफकोर्स शादी वाला डांस तो नहीं करेगी। तो मुझे लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक ही तरीके से देखा है, वो मेरी कपड़ों के लिए मुझसे प्यार करेंगे, मेरे किरदार के लिए मुझसे प्यार करेंगे। तो मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर दूँ स्क्रीन पर आके कि वो लोग कहें कि ये तो सारा ही नहीं है। तो बहुत सारे सीन्स को फिर हमने चेंज किया, क्योंकि ड्रामा साइन करने से पहले भी वजाहत लोग जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनसे भी मैंने बात डिस्कस की थी कि कुछ सीन्स ऐसे हैं और कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए थे ड्रामे में जो हमने नहीं किए, जो लिखे हुए थे, कि वो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो कह के सारा को या उस किरदार को भी बुरा नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर कोई मुझ पर मेरे साथ ऐसे कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा वो डेफिनेटली, लेकिन ड्रामा ड्रामा ही होता है, यू नो, उसमें हम जब तक ड्रामा नहीं दिखाएंगे वो ड्रामा नहीं बनेगा। तो वो इतना इंटेंस लव दिखाना था कि वो लड़का उस लड़की के पीछे इतना पागल है कि वो मतलब वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कि वो बस उसके पास उसका बस नहीं चल रहा कि वो यू नो अभी के अभी उसके घर जाके बैठ जाए और वो उसको उठा के ही ले आए अपने साथ। तो उसको इस इंटेंसिटी तक लाने के लिए ये करना ज़रूरी था मूसा के लिए कि वो उसको फॉलो करे, वो नहीं करेगा उसका उसका क्रेज़ी जो उसके लिए है ज़ोरा के लिए वो नहीं नज़र आएगा। तो इतना ड्रामा ऐड करना ज़रूरी था, जो कि रियल लाइफ में भी होता है, मतलब मैं इसको वो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे होता है। अगर आपको कोई पसंद होता आप ना चाहते हुए भी उसके पीछे आप जाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी नीयत